हेलो फ्रेंड, रेक्यूबल डीजल का चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक ऐसा है कि मैं F002A0Z729 नंबर का जो ट्रैक्टर का पंप है उसको मेरे टेस्ट में जो मैं क्या रीडिंग सेट करता हूँ, वो मतलब क्या क्या रीडिंग आता है, वो डिटेल में वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, अभी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पंप नंबर F002A0Z729 नंबर का पंप है। इसका मैं फ्री स्टॉक 3.8 mm रखा हूँ। केम का 1342 है, क्लॉकवाइज घुमाना है। ये महिंद्रा ट्रैक्टर का है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो उसका रीडिंग मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लेंगे गाइड सिलू ट्रैवल 800 rpm में। 800 rpm में एक्चुअल 0.3 से 0.7 रहता, लेकिन मैं इसका कंट्रोल डेक ट्रैवल जो है वो 0.5 रखा हूँ। ये ऐसा प्रेस करके यहाँ से प्ले 0.5 रखा हूँ। और फ्री स्टॉक में डिटेल नहीं लिया, ऐसा डिटेल अगर वीडियो आप कैसा फ्री स्टॉक मिलाना है, कैसा पूरा जानकारी चार्ट के हिसाब से, वो मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो हैं, आप जाके देख सकते हैं RSB गवर्नर के। तो अभी मैं सिर्फ मैं क्या रीडिंग रखा हूँ मेरे टेस्ट बेंच में वही बता रहा हूँ। और पहले अभी कटिंग लेंगे। कटिंग स्पीड है 990 से 1000 में, कंट्रोल 9 तक आना चाहिए। ठीक है, 990 से 1000 के बीच में कंट्रोल डैक 9 तक आना चाहिए। तो ये देखिए आ रहा है, 9 रखा हूँ। ये देखिए 1000 rpm में, 1000 rpm में 9 तक आ रहा कंट्रोल डैक ट्रैवल, बराबर है। अभी फुल ले लेंगे। फुल लोड का डिलीवरी क्या रखा हूँ, 950 rpm है। कंट्रोल रैक रखा हूँ देखिए 10.1 mm, 10.1 mm रखा हूँ। और 10.1 में डिलीवरी कितना है, 6.5 cc, मतलब 6.5 cc रखा हूँ सिंगल स्ट्रोक में। सिंगल स्ट्रोक में बता रहा हूँ, 10.1 कंट्रोल रैक रखना है, 6.5 cc सिंगल स्ट्रोक में रखना है। ये फुल लोड का हो गया, पहले मैं पूरा बना चुका हूँ, आपको सिर्फ मतलब क्या रखा हूँ मेरे वही बता रहा हूँ। क्रॉस अप डिलीवरी आ गया, टॉर्क कंट्रोल, क्रॉस अप डिलीवरी, टॉर्क कंट्रोल ये 700 rpm में। कंट्रोल रैक 10.9 के आसपास है, देखिए 10.9 11 वो 10.9 11 के आसपास है, 10.9 है कंट्रोल रैक। और डिलीवरी क्वांटिटी है 7 cc सिंगल स्ट्रोक में, 7 cc है। टॉर्क कंट्रोल क्रॉस अप डिलीवरी 7 cc है। फिर क्रॉस अप डिलीवरी में और एक रीडिंग है 500 का, वो भी दिखा देता हूँ आपको। 500 rpm, 500 rpm में कंट्रोल ट्रैक है 11 के आसपास आएगा। वो क्रॉस अप डिलीवरी जो मिला थे उससे ये देखिए कंट्रोल ट्रैक 11 है। 11 से डिलीवरी क्वांटिटी दिखाता हूँ अभी आपको। डिलीवरी क्वांटिटी 6 cc है, ये देखिए 6 cc रखा हूँ डिलीवरी क्वांटिटी। ये तो सब बहुत सारे भाई अलग अलग हिसाब से अलग अलग रीडिंग रखते हैं। मैं मेरा मशीन का मेरे मैं क्या रीडिंग रखता हूँ वो एक्सपेरिमेंट किया आपको आपके साथ। ठीक है, अभी आइडलिंग स्पीड मिलाएंगे। फुल लोड मिल गया, क्रॉस अप मिल गया, टॉर्क कंट्रोल मिल गया। तो अभी आइडलिंग स्पीड में 400 rpm, चार सौ आर पी एम में कंट्रोल रैक है 6.2 और डिलीवरी क्वांटिटी है 1 cc। ठीक है, ये 1 cc के आसपास आ रहा पूरे में। बराबर है, 1 cc है। और अभी स्टार्टिंग क्वांटिटी भी देखना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस में ऐसा नहीं देना है। स्टार्टिंग क्वांटिटी में देख लेता हूँ, ये जैसे कंट्रोल रैक को हटा दिया और कंट्रोलर उधर पूरा ऑन पोजीशन में टच होना चाहिए इधर। ये देखिए टच हो के रहे, तो हमारा डिलीवरी क्वांटिटी आ रहा है 9 cc, 9.5 cc के आसपास है। स्टार्टिंग क्वांटिटी पूरा फुल है, बराबर है, ओके है। ठीक है, ऐसे आप अगर 729 नंबर का पंप आया है, ये रीडिंग आप रख सकते हो। और कौन से स्क्रूप से कहाँ मिलता है देखिए, ये जो है फुल लोड का कंट्रोल रैक इससे मिलता है। और क्रॉस अप डिलीवरी जो टॉर्क कंट्रोल है उससे, कैप्सूल वाले और साइड वाला है स्लाइडिंग बोल्ट, और ये दोनों आइडलिंग से मिलते हैं। ठीक है, और इसका चार्ट और सर्विस इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके रख सकते हो। ओके, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।